सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर है, आप उसका पता कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर हैं। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। जब दोस्तों आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करनी होगी एक वेबसाइट tapcopdigital.com। दोस्तों इस वेबसाइट के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से भी ओपन कर सकते हैं। सो दोस्तों, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर ही क्लिक करना होगा। जब दोस्तों आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर वो मोबाइल नंबर फिल करना होगा जब जो मोबाइल नंबर आपने आपका आधार कार्ड बनवाते टाइम आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो नंबर आपको यहाँ फिल करना है। सो गाइज, मैं यहाँ पर अपना नंबर फिल करता हूँ। फिल करने के बाद अब हम करते हैं रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक। सो दोस्तों, मैंने रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ ही 4-5 सेकंड में देखे दोस्तों ओटीपी आ चुका है। हमने ओटीपी कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर नीचे वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। सो गाइज, वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और हमको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, दो नंबर आ रहे हैं। ये दो नंबर मेरे आधार कार्ड पर रजिस्टर है। अगर आप मतलब आप इन दो नंबरों में से कोई भी नंबर, जैसे कि आपके 4 नंबर आ रहे हैं या 5 नंबर आ रहे हैं जो आपके आधार आईडी पर है, उनमें से आपको आपके जो दो मेन नंबर है और बाकी के तीन चार नंबर है उनको आप बंद करवाना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत आसानी से बंद करवा सकते हैं। बंद करवाने की प्रोसीजर दोस्तों, आप नंबर के सामने एक कॉलम आ रहा है, कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं। कॉलम पर क्लिक करने के बाद नीचे 3 ऑप्शन आएंगे, दिस इज नॉट माई, नॉट रिक्वायर्ड और आप इधर देख सकते हैं रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको नोट यानी कि दिस इज नॉट माई पर क्लिक कर देना है। दिस इज नॉट माई पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप रिपोर्ट के ऑप्शन पर मतलब रिपोर्ट पर क्लिक कर देना। रिपोर्ट पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या होगा कि ये नंबर ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर आप ये नंबर यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो की ट्रिक्स? सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।